स्टॉप लॉस रखें 1850 पर स्टॉप लॉस रखें। जो लेवल्स मैं बता रहा हूं ये नवंबर फ्यूचर्स के हैं, दिसंबर के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लें। 1850 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1915 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1940 रुपए का। तो 1940 के टारगेट के लिए खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। तो आइए स्टडी करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज का ये वीकली चार्ट खुला हुआ है। जैसे ही हम लोग चार्ट को जूम इन करते हैं तो देखने को मिलता है हायर बॉटम की श्रृंखला बरकरार होते हुए एक करेक्शन आया था। करेक्शन खत्म होने के पूरे पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी गिरावट आने के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। जैसे कि पिछले बॉटम की तुलना में अभी के बॉटम हायर बन रहे और उसके ऊपर काफी स्टॉक अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रियल्टी सेक्टर काफी अच्छी तरह से बूम कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में नियर टर्म में या इस लेवल के ऊपर करीब 2000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज को ये स्टॉप लॉस मानकर हमें उसमें पोजिशनली एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जानने के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ईटेक चार्ट पैटर्न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।